150 रुपए के दो मिल रहे हैं। और अंकल की एडवर्टाइजमेंट का तरीका देखो। अभी आज जो मार्केट है वो इस साइड आ चुकी है पूरी। $150 का पूरा मिलेगा। 200 सिर्फ 200 लोअर 200 का लोअर कितना भाई प्राइस? 250 रुपए में। 250 रुपए मस्त चीज। सब कुछ 250 में मिलेगा। अच्छा 500 में, यहाँ सब 500 में मिलेगा। ये वाली और उधर भी जैकेट है, वो भी 200-300 में, वो भी है। उधर भी है सारा स्टॉल, देखते हैं कितना। अभी जाते हैं आगे, दुकान यहीं लगी है। ये 100 रुपए का इधर सारी शर्टें, और ये 100 रुपए का इधर है सारी स्वेटर है। 500 के दो जैकेट मिल रहे हैं इधर। $150 में वाली चीज मिल रही है। 200 रुपए में माल। 200 रुपए में शायद। ऐसा हाल चल रहा है। 150 रुपए की यहाँ पैंट मिल जाएगी। एक अंडर गारमेंट, ये जो भी गारमेंट्स के सामान है, और मफलर भी मिल जाएंगे। सीजन के हिसाब से मिलती है चीज़ें। अब बाहर देख सकते हैं आप, पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी बाहर है, और अंदर दुकानें लगी है, बिल्कुल चलने की जगह नहीं हो। ये है शर्ट, 100 रुपए में सारी शर्ट। तो मतलब मेरे को ना शौक लग जाता है कि जान चोर बाजार आना है। मतलब पता नहीं क्या है, पिछले 2-3 हफ्तों से मैं चोर बाजार आ रहा हूँ। तो पीछे वाली चोर बाजार तो सारी बंद हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इसके पीछे जो ग्राउंड था जामा मस्जिद का, पूरा वो बंद हो चुका है। और आपको दिख रही है पुलिस जहाँ तहाँ घूम रही है। और जो यहाँ चोर बाजार है, यहाँ अपना सामान पता कैसे बेच रहे हैं? कुछ तो यहाँ बेच रहे हैं, कुछ कैसे करके बेच रहे हैं, कुछ वहाँ बेच रहे हैं, और कुछ ऐसे बेच रहे हैं अपना सामान, ऐसे करके बेच रहे हैं अपना सामान। जैसे आप देख सकते हैं कि रोडों के बीच में सब ऐसे चलता है, सब ऐसे चल रहा है। मतलब चोर बाजार यहाँ रुकेगी तो नहीं, यहाँ चलती रहेगी। तो ये देखना है अब कि पूरी लगती का भैया पूरी जाती का। तोते भी मिल जाएंगे इधर, 1500 का एक है, जाते आते 800-900 में। अच्छा